अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजलो करम से फिट फाट होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अरम नवीद और अरहम्स पैरट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कोई आपने पिक्चर शेयर करनी हो तो आप मुझे फेसबुक पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ओके व्यूअर्स, तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस के बारे में है कि मेरे जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं उन्होंने क्या प्रोग्रेस अब तक दिखाई है, तो मैं उनकी वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, मैं आपको वो कॉलोनी दिखा रहा हूँ जो कि मैंने बनाई हुई है। यहाँ पर ये बर्ड्स रखे हुए हैं जिन्होंने माशाल्लाह से ब्रीड की हुई है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा भी मेरे 3 KG होड़ हैं जहाँ पर मैंने 2-3 पेड़ अलग रखे हैं और एक फिंचिस का भी पेड़ रखा है, उसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, इस केज की डिटेल्ड वीडियो अपलोड है कि हमने इसको कैसे बनाया, कितनी कास्ट लगी, इसको हमने सर्दी से कैसे बचाना है, वो सारी एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड है। अगर आपने देखनी हो तो आप उससे देखकर ऐसी ही कलोनी बहुत कम पैसों में बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से ये सब बर्ड्स हैं जिनके पेड़ बने हुए हैं, तो माशाल्लाह से फिट है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके अलावा जो केजेस हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये व्यूअर्स केज है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 मादियाँ हैं, दोनों ने ब्रीड की हुई है और एक ने माशाल्लाह से बच्चे भी निकाले हुए हैं। और इसी तरह ये एक होड केज है जिसको मैं फिंचिस की तरफ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि फिंचिस का मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अभी तो एक पेड़ है लेकिन इसे आहिस्ता आहिस्ता से एक्सपेंड करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास केज नहीं है तो पिंजरा वगैरह लेकर तो इसकी भी कॉलोनी मैं बनाने की ट्राई करूँगा। तो व्यूअर्स, आपको मैं आज जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन ब्रीडिंग प्रोग्रेस के साथ साथ मैं कुछ लॉसेज, कुछ नुकसान की भी वीडियो शेयर करूँगा कि दोनों चीज़ें साथ साथ होते हैं। जहाँ पर फ़ायदे होते हैं वहाँ पर नुकसानात भी हो जाते हैं, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि उस चीज़ को ओवरकम करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए ताकि आइंदा वो चीज़ ना हो। तो मैं आपको वो तमाम मटकियाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें कुछ में बच्चे निकले हैं और कुछ में अंडे हैं। तो आइए दिखाते हैं प्रोग्रेस। ओके व्यूअर्स, तो आप ये देख सकते हैं कि ये पाइड की मादी है जिसमें माशाल्लाह से 2 बच्चे निकाले हुए हैं अंडों में से, और एक अभी अंडा जो है पड़ा हुआ है, इसमें से बेबी तो नहीं निकला, आई थिंक ये अंडा ख़राब हो चुका है, देखते हैं बाद में। तो व्यूअर्स, ये दूसरी मटकिया जिसमें बजरी की मादी बैठी हुई है, तो आई होप कि इसने अंडे दिए हुए हैं, तो बर्ड को तंग नहीं करते, हम नेक्स्ट मटकी में चलते हैं। तो व्यूअर्स, ये तीसरी मटकी है माशाल्लाह से रेड आइज़ की है, इसने अल्हम्दुलिल्लाह 4 या 5 चीक्स निकाले हुए हैं अंडों में से, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है। तो व्यूअर्स, ये फोर्थ मटकी है जिसमें माशाल्लाह से 2 बेबीज़ हैं, 2 चीक्स हैं, तो मादी जो है वो डर के बाहर निकल गई है, लेकिन अच्छी प्रोग्रेस है माशाल्लाह। अब बात करते हैं फिफ्थ मटकी की। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये पाइड की मादी है, इसने माशाल्लाह से 3 या 4 जो हैं वो चीक्स निकाले हुए हैं और 2 अंडे भी पड़े हुए हैं, तो बढ़िया प्रोग्रेस है माशाल्लाह से। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये 3 चीक्स हैं, ये वाइट मादी और येलो कलर का नर है, उनके क्रॉस से ये चीक्स निकले हैं। मैं चेक कर रहा था तो मटकी काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, मैंने कहा यार मैं मटकी साफ़ कर दूं पहले, तो बाहर निकाले हुए थे, माशाल्लाह से बहुत प्यारे चीक्स हैं। तो व्यूअर्स, बाकी जो मटकियाँ हैं वो खाली हैं, तो मैंने कहा यार दिखा कर व्यूअर्स का टाइम ज़ाया नहीं करते, जिन वीडियोस में चीक्स हैं वो ही दिखाते हैं व्यूअर्स को। अब बात करते हैं कुछ नुकसानात की, जो कि नुकसानात भी फेस करने पड़े इन्हीं दिनों में। तो ये देखें व्यूअर्स, ये एग्स हैं और साथ बेबी है जो कि मर चुके हैं। ये जो मादी है इसने चीक्स के ऊपर बैठना छोड़ दिया था, मतलब बैठती थी लेकिन बहुत कम, थोड़ी सी आवाज़ से बाहर निकल आती थी। एक्चुअली हुआ इस तरह कि इसने मेल ने क्रॉस कर दिया इसको, और ये दोबारा जो है वो ब्रीड पर आ गई है, जिसकी वजह से इसने एग्स भी फेंक दिए और चीक के ऊपर भी बैठना बंद कर दिया, हालांकि इसको फीड करवाती रही है। इसके अलावा कल मैंने और 2 चीक्स जो है वो इसी मादी के बाहर फेंके थे और आज फिर यही रिजल्ट मिला है। तो अभी ये दोबारा ब्रीड पर आएगी तो मैं देखूंगा, अगर तो ये चीक्स अच्छे तरीके से पाल ले तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ऐसा करती तो मादी को चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा व्यूअर्स, ये देखें, ये नर है जो कि मर चुका है, ये पाइड की मादी के साथ नर था और इसके साथ चीक है वो भी मर चुका है। तो बस इस तरह के नुकसान हो जाते हैं।
तो दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बर्ड्स को सेहत दें ताकि जो व्यूअर्स हैं वो अपना शौक़ पूरा कर सकें और इनसे ब्रीड ले सकें और उनकी केयर करें ताकि अपने शौक़ के साथ साथ सवाब भी कमा सकें। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।